तो ये रही है कहानी है शून्य शून्य के मुकाबले की। दोनों टीम्स वॉकआउट तो करे जीत के लिए, लेकिन 90 मिनट के अंदर वो जीत नहीं हासिल कर पाए हैं। सबसे अच्छे मौके अगर मिले हैं तो गोवा को मिले हैं। अगर आपके स्टोरी ऑफ द मैच में मुंबई के हित में ऐसे मौके दिखा रहे हैं तो आप जानते हैं कि आज उनका दिन नहीं रहा है, दिन रहा है अमरिंदर का। लेकिन जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से मौके दर मौके मिलते रहे लेकिन उस मौकों को विफल करते रहे हैं एक ही खिलाड़ी मुंबई सिटी एफ सी के अमरिंदर सिंह। हर बारी गोल में आके सेव किया, ये कमाल का सेव जो कि गोल में जा रहा था। आज बहुत बिजी रहे अमरिंदर सिंह। जी हाँ, एक वन मैन शो रहा है मुंबई सिटी एफसी के लिए, और सर्जियो लोबेरा यकीनन इस बात से ना खुश होंगे कि उनके सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी उनके गोलकीपर रहे हैं इस मैच में। एडम लोफोंड्रे का नाम ज्यादा लिया नहीं है, ये था वो मौका आखिर में लेकिन तो मिस गया। कहानी तो पेनल्टीज की बस ये रही, दो गोलकीपर अलग अनुभव उनका, लेकिन खेल दोनों का एक समेत। मिसेज गोवा ने ज्यादा किए, लचेंपा तेंपा ने सेव जरूर किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दिशाहीन पेनल्टीज थी उनके चलते काफी असर पड़ा एफसी गोवा के पेनल्टीज में। लेकिन जीत का गोल दागा इस खिलाड़ी ने, है तो गोवा के मूल का खिलाड़ी रॉलिन बॉर्जस, लेकिन खेलता है मुंबई सिटी एफसी के लिए, जिसने अपनी टीम को पहुंचा दिया है पहली बार हीरो इंडियन सुपर लीग के फाइनल में।